भाइयों, जब मनुष्य के हाथ से परिस्थितियाँ बाहर निकल जाती हैं तो भगवान अवतार लेते रहते हैं, और परिस्थितियाँ जो जो मनुष्य नहीं संभाल पाया था उसको भगवान संभाल देते हैं। गायत्री के तीन चरण हैं, त्रिपदा कहते हैं इसको। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ये तीनों इसी के भीतर रह जाती हैं, तीन तीन एक एक अक्षर में समाई हुई है। देवता में तीन, एक का नाम ब्रह्मा, एक का नाम विष्णु, एक का नाम महेश, ये तीनों हैं, इसी के तीन चरण हैं। ओजस, तेजस, वर्चस, ये तीन शक्तियों संसार में हैं, वो तीनों की तीनों शक्तियाँ इसी से संबंधित हैं, गायत्री से। ये बड़ा शानदार मंत्र है, बड़ी अमोघ शक्ति है, जिसका कि अब अवतार हो रहा है हमारे आपके सामने, और जिसकी उपासना करने का हमको और आपको मौका मिल रहा है। आस्था ठर संकट, संकटास्वर विस्तार से असुर हुए, एक अनास्था संकट, इसमें विश्वास नहीं किसी को, न भगवान पे विश्वास, न अपने कर्तव्य पे विश्वास, न परलोक पे विश्वास, न अपने ईमान पे विश्वास, न किसी पे विश्वास नहीं है। ऐसा अनास्था संकट ये एक दैत्य आज के ज़माने का पैदा हुआ है। इसको दूर करने के लिए प्रज्ञा के अवतार की जरूरत थी, वो ठीक समय पर ठीक होने जा रही है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, परंपरा है इसकी, हमेशा कुछ करना पड़ा है, लोगों को स्वयं ही अवतार नहीं देता। जब त्रेता में ऋषियों ने अपना रक्त एक घड़े में भरा था और उसको जमीन में गाड़ दिया था, तब राजा जनक ने खेत जोतते समय उस घड़े में से निकाला था, सीता जी निकल के आई थी, आपको याद है। एक बार देवता बहुत दुखी हो गए थे, बहुत पराजित हो गए थे, दैत्यों ने उनको मार के भगा दिया था। फिर उन्होंने क्या काम किया कि ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी सबकी शक्तियों को इकट्ठा करके मैं एक देवी बना देता हूँ। सबकी शक्तियों को इकट्ठा करके उन्होंने दुर्गा का नया अवतार दिया था। ये पुराने ज़माने की बात है, आज भी वही करना पड़ेगा। हमारा आप सब मिल के इस काम को करेंगे, अकेले हम कर लेते हैं तो आपसे नहीं कहते। ये सबके मिलने करने का काम है, मिलजुल के करने का काम है। इसलिए आह्वान आपको भी किया है, हम तो जो हमसे बन रहा है वो हम कर ही रहे हैं, पर आपको भी कुछ करना चाहिए। इसमें आपको त्रिपदा गायत्री के तीन उपासनाओं में कर्मयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों की उपासना का सम्मिश्रण के नाम से प्रज्ञा योग नाम करके इस समय हमारे मिशन ने आपके सामने रखा है। लाखों आदमी इसी योग में लगे हुए हैं। आप अब तक लगे न हो इस कार्य में तो आप तुरंत ही बिना एक दिन का भी समय गंवाए प्रज्ञा योग की उपासना शुरू कर दीजिए। आजकल हमने प्रज्ञा योग का प्रज्ञा अभियान चलाया है, प्रज्ञा योग चला रहा है, प्रज्ञा का अवतार हो रहा है। तो प्रज्ञा योग यही करने का है, आप सबको ये करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? इसका पहला चरण ज्ञान योग से शुरू होता है। सवेरे जब आप सोकर के उठा करें तब ये ध्यान किया कीजिए, आज हमारा नया जन्म हुआ है। इसीलिए जैसा जन्म, भगवान की कलाकृति का जन्म, भगवान का सर्वोत्तम उपहार का जन्म, आपको इसी तरीके से आज इसको अच्छे से अच्छा प्रयोग करना है। इसलिए सवेरे उठते ही, आँख खुलते ही, चारपाई पर से नीचे पैर रखने से पहले आप प्रज्ञा योग की ये साधना किया कीजिए, नया जन्म, आज का नया जन्म। इसकी स्कीम बनाइए, योजना बनाइए। आपको ऐसा शानदार जन्म मिला है तो आप किस तरीके से खर्च करेंगे, सवेरे से लेकर के सायंकाल तक की पूरी स्कीम बना डालिए। प्रातःकाल इसके बाद उठिए, जमीन पाँव पीछे रखिए। पहले इस नए जन्म के लिए वाले में शाम को सोते समय तक की ऐसी शानदार योजना बना दीजिए जिसमें कि सब महत्वपूर्ण बातें शामिल हों। जैसा हमारा महत्वपूर्ण जीवन रहा है वैसा ही महत्वपूर्ण जीवन आपका हो, और एक दिन भी खराब नहीं जाए। हमारा एक दिन भी खराब नहीं गया, आपका भी एक दिन भी खराब नहीं जाना चाहिए। सायंकाल को जब आप सोया करें तो बिस्तर पर जाने से पहले ये विचार कीजिए, आज हमारी मृत्यु आ रही है। लोग मौत को भूल जाते हैं, मौत को भूल जाते हैं। बस एक ही खराबी आदमी के अंदर है कि मौत को भूल गया, और ये जानता रहता है कि मैं लाख वर्ष जीऊँगा, करोड़ों वर्ष जीऊँगा, और ये बात याद बनी रहती कि आज हमको मरना पड़ेगा। तो आदमी वो काम न करता जो न करने चाहिए। जो चीज़ें साथ नहीं जाने वाली, अकेला आता है माँ के पेट में से, और जब मरघट में जाता है, शमशान घाट में, तो अकेला जाता है। अकेला जाने के लिए बेकार की नर्सक कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करता फिरता है, इससे संबंध उससे संबंध लगाता फिरता है, लोभ और मोह के वजन और बोझ सिर के ऊपर लादता रहता है। अगर ये ख्याल है कि हमको मरना पड़ेगा और खाली हाथ जाना पड़ेगा, और ये चमड़ी वाला ये शरीर है ये भी जला करके खाक करना पड़ेगा, तो आदमी ज़रा समझ से काम ले, अकल से काम ले। बेअकली लोगों पर छाई हुई है। इसलिए सवेरे का आपको जो ज्ञान योग है इस मानी में है कि बिस्तर पर सोते और उठते समय में आप नई जिंदगी और नई मौत का ध्यान किया कीजिए और उसके अनुसार काम कीजिए। शाम को समीक्षा किया कीजिए कि हमारा आज का दिन बेकार तो नहीं चला गया, गंदे कामों में तो नहीं चला गया। एक दूसरा जो प्रज्ञा योग का चरण है वो है कर्मयोग। कर्मयोग में क्या करना पड़ता है? कर्मयोग में देव पूजन करना पड़ता है। देव पूजन करने से पहले आदमी को अपने आप को शुद्ध बनाना पड़ता है। पूजा करने वाले पुजारी, आप किसी मंदिर में जाके देखिए नहा धो के जाते हैं, बिना नहाए कोई पुजारी जी जाता है क्या मंदिर में? नहीं, कोई नहीं जाता। आप भी मत जाइए। आप शरीर को धोइए, कपड़ों को धोइए, मकान को धोइए, साफ़ कीजिए, झाड़ू लगाइए, जो पूजा के बर्तन हैं उनको साफ़ कीजिए, देवी की जो ऊपर जो पहनने के कपड़े उनको साफ कीजिए, साफ कर डालिए और अपने मन को और वचन को और कर्म को साफ कर डालिए। कर्मयोग के लिए शुद्धता सबसे पहली आवश्यक है। इसके लिए आपको कई काम करने पड़ते हैं, ये हम कई बार बता चुके हैं आपको। एक पवित्रीकरण करना पड़ता है, आचमन करना पड़ता है, जिसमें से मन, बुद्धि और कर्म तीनों को शुद्ध रखने की प्रतिज्ञा की जाती है। वाणी का 3 बार आचमन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सांस, हमारी प्रत्येक सांस श्रेष्ठ काम में जाए, किसी सांस का अपव्यय नहीं होने देंगे, और न्यास ज्ञानेंद्रियों को सबको स्पर्श करके एक तरह की हम शपथ खाते हैं कि अब अपनी ज्ञानेंद्रियों में से किसी का भी अपव्यय नहीं होने देंगे, न वाणी का अपव्यय होने देंगे, न नासिका का अपव्यय होने देंगे, न कान का अपव्यय होने देंगे, कोई भी इंद्रिय हमारी ऐसी नहीं इसका अपव्यय होने दें। ये देव पूजन से पहले करना पड़ता है। फिर देवता की स्थापना के बाद पंचोपचार की पूजा की जाती है। 5 चीज़ें देवता को समर्पण की जाती हैं। हमने आपको पहले भी अनेक बार बताया है, देवता को समर्पण कीजिए। समर्पण नहीं करेंगे, खाली बहकाएंगे, बहकाने से काम थोड़ी चलेगा। क्या समर्पण करना पड़ता है? देवता की छवि आपने जैसी भी बना रखी हो, मूर्ति जैसी भी बना रखी हो, तस्वीर हो आपके पास, मूर्ति हो, जो भी हो, उसको रख करके उनकी पंचोपचार से पूजा कीजिए। वैसे षोडशोपचार भी होते हैं पर आपके लिए पंचोपचार काफ़ी है। जल से पूजन कीजिए, अक्षत से पूजन कीजिए, धूप से पूजन कीजिए, फूल से पूजन कीजिए, नैवेद्य से पूजन कीजिए। पर इसका मानी मतलब भी समझिए, देवता प्यासे नहीं है कि आपकी प्याऊ पर पानी पीने के लिए हमें, और देवता को चावल की ज़रूरत नहीं है कि उनके घर का गेहूँ खत्म हो गया हो, और देवता को फूलों की ज़रूरत नहीं है जो कि फूल कहीं उनको मिलते ना हो, और देवता को नैवेद्य मिठास की कमी नहीं है जिसको न करते हैं। उनकी मानी मतलब है, उनको आप मतलब समझ करके आप समझेंगे तो ये करेंगे। जैसे हमने बताया था कि साधना अपने आप ही की जाती है, ऐसी ही पूजा भी अपने आप ही की जाती है कि अपने जीवन का क्रम श्रेष्ठ बना करके फिर देवता के चरणों पर समर्पित करेंगे। गंदे जीवन को आप समर्पण करेंगे तो देवता लेगा ही नहीं, देवता फेंक देगा उसको। जल के माने ये है कि हमको दयालु होना चाहिए, सरस होना चाहिए, भावनाशील होना चाहिए। और अक्षत का मतलब ये है कि जो हमारी कमाई है, जो हम कमाते हैं, गेहूँ, अनाज, पैसा, उसमें से एक अंश देवता के लिए नियत रहना चाहिए। और धूप, सुगंधी, आपकी क्रियाएं और आपके कर्म और आपका चिंतन ऐसा होना चाहिए जो सारे जगह पर चंदन की तरीके से सुगंधी फैला दे। आप ऐसे काम करें जिसकी सुगंधी हर एक के दिमाग में चली जाए। मलयाली की सुगंधी हर एक के दिमाग में चली जाती है, गांधी जी की सुगंधी हर एक के दिमाग में चली जाती है, हरिश्चंद्र की सुगंधी गांधी जी के दिमाग में आई और गांधी जी ने कहा मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र बनूंगा, वही बन गए। आपका जीवन भी ऐसे सुगंधी होना चाहिए जैसे कि आप धूपबत्ती जलाते हैं, और आपका जीवन फूल जैसा कोमल होना चाहिए जो देवता के चरणों पर चढ़ाने लायक हो, देवता के गले में पहनाने लायक हो, आपका जीवन फूल के लायक हो। और नैवेद्य मिठास को कहते हैं। देवता मीठी चीज़ खाते हैं, कड़ी चीज़ नहीं खाते, खट्टी चीज़ भी नहीं खाते, नमक भी नहीं खाते, मिर्च भी नहीं खाते, केवल मीठा खाते हैं। क्या मतलब उसका एक ही है कि आपकी वाणी से मिठास, व्यवहार से मिठास, चिंतन में मिठास, हर जगह भी जहाँ कहीं भी आप हो आपका व्यवहार पूरे का पूरा मिठास से भरा हुआ हो। देवता का पूजन आप इससे कीजिए। देवता कौन सा करेंगे? एक ही देवता है, प्रज्ञा का देवता, गायत्री का देवता, आदिशक्ति का देवता। इस जमाने में देवता का युग होता है, हर देवता का एक युग होता है। 24 देवताओं के 24 अवतारों के अपने अपने समय आए थे और वो चले गए। समय के बाद में फिर उनकी पूजा कम हो जाती है, घट जाती है। प्रज्ञा योग है ये। इसीलिए आपको कर्मयोग के नाम पर आपको अपने जीवन को शुद्ध बनाने की वाली बात, अपने जीवन को देवता के चरणों पर जाने लायक बनाने वाली बात, अपने भीतर गुणकर्म स्वभाव को विकसित करने वाली बात का ध्यान रखिए। तब फिर क्या हो जाएगा? तब फिर आपका कर्म योग हो जाएगा। अब भक्ति योग, भक्ति योग वो है कि जिसमें आप प्रेम करते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति प्यार को कहते हैं, मोहब्बत को कहते हैं। आप प्यार कीजिए। आप प्यार कहाँ से करेंगे? पहले भगवान से शुरू कीजिए। और जब आप व्यायामशाला में अखाड़े में अपने आप को पहलवान बनाने दंगल में दो हाथ दिखाइए। ये सब हम तो हमेशा ही उसी में अखाड़े में बैठे रहेंगे। अखाड़े में बैठिए मत। भगवान से प्रेम करना सिखाया जाता है, श्रेष्ठ से प्रेम करना सिखाया जाता है। इसके लिए भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग में क्या काम करना चाहिए? गायत्री की 3 मालाओं के लिए हमने आप लोगों से हर एक से कहा है कि 3 माला कम से कम करनी चाहिए। 3 माला क्यों? 3 माला इसलिए कि एक तो आत्म परिष्कार के लिए, आपके भीतर जो गुणकर्म स्वभाव है वो श्रेष्ठ बने, आपके अंदर जो कषाय कलवश हैं वो दूर हों। इसके लिए एक माला स्वयं के लिए कीजिए। एक माला वातावरण के लिए कीजिए। वातावरण बहुत गंदा है। मैंने भी बताया था कल आपको कि हवा में जहर भरा हुआ है, विकिरण फैला हुआ है, नमक भरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि लोगों की बुराइयाँ, लोगों का निकम्मा चिंतन सारे वातावरण में अनास्था के रूप में भर गया है। इसका संशोधन करने के लिए एक माला उसके लिए किया कीजिए। 2 माला, एक माला इसके लिए कि हमको इसको ठीक करना है, हमको सुधारना है। सुधारने वाली शक्तियाँ जो आपके साथ साथ चल रही हैं, हम आपके साथ बोल रहे हैं, हमारे पीछे भगवान चल रहा है, हम सब मिलकर के जिसमें आप भी शामिल हैं, हम इस संसार को नया बनाने के लिए और शुद्ध बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए और समुन्नत बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो हमारी कोशिशें सफल हों। एक उसके लिए संसार को समुन्नत बनाने के लिए एक माला मिशन की सफलता के लिए, वातावरण का परिशोधन करने के लिए एक माला, आत्म परिशोधन के लिए एक माला। 3 माला गायत्री का जप आप बराबर करते रहिए। गायत्री का मंत्र का जप करने की विधि आपको हम कितनी बार बता चुके हैं, यहाँ बताएंगे तो बेकार समझ जाएगा। 3 माला कम से कम, ज़्यादा के लिए कोई रोक नहीं है, कम से कम है, मिनिमम है ये। ज़्यादा 5 कीजिए, 7 कीजिए, 11 कीजिए, 21 कीजिए, 31 कीजिए, जिससे कि आपको अनुष्ठान करना हो तो आप रोजाना ये कीजिए। 27 माला कीजिए। और आपको उसका स्वालक्ष करना हो तो 40 माला कीजिए। फिर ज़्यादा करने पर कोई रोक नहीं है, पर कम से कम 3 माला होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने लक्ष्य 3 है। अपने आप का संशोधन करना भी आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आप अपने आप को संशोधन नहीं कर सकेंगे तो ज़माने को ठीक कैसे करेंगे? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। शुरुआत जहाँ से होती है, अध्यात्म अपने आप से होता है। पहले आप किसी और को शिक्षा देने की बजाय अपने आप को शिक्षा दीजिए। औरों को सही करने की बजाय अपने को सही कर लीजिए। अपने आप को सही कर लेंगे और अपने आप को समुन्नत बना लेंगे तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिन लोगों से भी कहेंगे, आपका कहना मानेंगे। गांधी जी का कहना लाखों ने माना, बुद्ध का कहना लाखों ने माना। बुद्ध के कहने की वजह से लाखों आदमी उनके शिष्य हो गए और सारे संसार भर में काम करने के लिए चले गए। गांधी जी के कहने की वजह से हजारों आदमी सत्याग्रही हो गए और जेल चले गए और फांसी पर चले गए और अपने घर बर्बाद करने के लिए रजामंद हो गए। कैसे हो गया? गांधी जी ने स्वयं ऐसे किया था। स्वयं अब इस लायक न होते तो उनका कहना कौन मानता? तो आप कहिए किसी, आप अपनी बीवी से कहिए, बच्चों से कहिए, घर वालों से कहिए, मोहल्ले वालों से कहिए, देखें कौन मानता है? किसी बात की कोई मानता है किसी की आजकल? लेकिन आपकी बात सब लोग माने, वातावरण को भी आप बदल सकें, इसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने आप का आप संशोधन करें। एक माला उसके लिए बताई गई है। 3 माला गायत्री की आपको आवश्यक है, करना चाहिए। उसमें कुछ कमी मत रहने दीजिए। इसके पीछे आप क्या करेंगे? गायत्री की उपासना के साथ साथ में सविता का ध्यान कीजिए। गायत्री का देवता कौन है? सविता। सविता किसे कहते हैं? सविता सवेरे के निकलने वाले सूर्य को कहते हैं। प्रातःकालीन जो सूर्य है, सुनहरा सूर्य, उसका नाम सविता है। ये तो आग का गोला निकलता है, पर भगवान की सार्वभौम छवि ये प्रकाश का गोला है। हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सारे धर्म सारे विश्व के जो है अपनी अपनी देवताओं की और मूर्तियाँ बना भी रखी होंगी, लेकिन सभ्यता से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रत्येक काल का उदीयमान सूर्य सार्वभौम है, यूनिवर्सल है। इसलिए आप गायत्री के जप के साथ साथ में प्रातःकालीन सूर्य का सभ्यता का ध्यान किया कीजिए, और साथ साथ में ये किया कीजिए कि आप बच्चे की तरीके से हैं, नंगे हैं, और सभ्यता का सूर्य उदीयमान सूर्य आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, मन में प्रवेश कर रहा है, बुद्धि में प्रवेश कर रहा है, हर जगह प्रवेश कर रहा है। और आपको प्रवेश करने के बाद में उस सभ्यता में जो गर्मी होती है, रोशनी होती है, वो गर्मी और रोशनी बराबर मिल रही है। आपका शरीर गर्म हो रहा है, दिमाग गर्म हो रहा है, आपका भावनाएं गर्म हो रही हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपका शरीर बलवान हो रहा है एक, और आपका शरीर सत्कर्म करने वाला हो रहा है, और आपका मस्तिष्क सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप बुद्धिमान बन रहे हैं और बुद्धि को श्रेष्ठ काम में लगा रहे हैं। बुद्धिमान बनने से ही क्या करेंगे, एक से एक बुद्धिमान है दुनिया में, ढेरों बुद्धिमान पड़े हैं। जेलखानाओं में आप चले जाएं ढूंढने के लिए तो सब बुद्धिमान ही बुद्धिमान है, बुद्धिमान से कम कोई जेल ही नहीं जा सकता। इसमें अकल फालतू नहीं होगी, वो काय को जेल जाएगा, अपने घर में रोटी कमाएगा और अपना गुजारा करेगा। तो इसलिए आपका मस्तिष्क भी, आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ बन रही है, बुद्धिमान भी बन रहे हैं, और बुद्धि से अच्छा चिंतन करने वाले भी बन रहे हैं। दो बात हो गई ना। जब आप सभ्यता का ध्यान करें, तीसरा ये ध्यान करें कि आपकी भावनाएं, आपकी भाव संवेदनाएं बढ़ रही हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके अंदर भावनाएं नहीं होती, ऐसे होते हैं जैसे मिट्टी के आदमी, न किसी का दुख में शामिल होते हैं, न सुख में शामिल होते हैं, कोई भावनाएं नहीं है। बस अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब नहीं, आपको अपने मतलब से मतलब नहीं रहना है। आपको अपने सुखों को बांटना है और दुखों को बटाना है। ये तभी संभव है जबकि आपकी भाव संवेदनाएं उठी हुई हो, भाव संवेदनाएं ठीक काम करती हों, भाव संवेदनाएं श्रेष्ठ हों, और आपके अंदर से करुणा का, प्रेम का, दया का, मोहब्बत का भाव होगा। ये कोई भाव नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे आखिर में जो किया जाता है, ये तो ध्यान हो गया। गायत्री के ध्यान के साथ साथ में इन तीनों बातों को आप हमेशा ध्यान किया कीजिए। प्रातःकालीन सूर्य आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, मन में प्रवेश कर रहा है, भावनाओं में प्रवेश कर रहा है। हो गया ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग हो गया। भक्ति योग में दो बातें हैं, एक तो जब मैंने बताया आपको, एक आपको सूर्य के सामने अर्घ चढ़ाना है। आप पूजा के स्थान पर एक जल का कलश, छोटा बाहुबली रखा कीजिए, और जब आपका जब पूरा हो जाए तो सूर्य पूर्व दिशा की तरफ हो तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके, सायंकाल हो तो पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आप बराबर सूर्य भगवान को एक लोटे में जल चढ़ा दीजिए। यही हमारी संपदा है। हे भगवान, हे प्रभु, हम आपके चरणों पर समर्पण करते हैं, अपनी भावनाएं समर्पण करते हैं, अपनी बुद्धि समर्पण करते हैं, तो कुछ भी हमारे पास है हम आपके समर्पण करते हैं, इसलिए कि फैल जाए। सूर्य का पानी, सूर्य के आगे चढ़ाया हुआ पानी गर्म हो जाता है और हवा में फैल जाता है। हवा के फैलने के बाद में ओस बन पड़ता है, कहीं भाप बन जाता है, कहीं क्या हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन सारे विश्व के काम आता है। आप इसी तरह से विचार किया कीजिए कि हमारा छोटा सा घड़ा, हमारा छोटा सा जीवन, इसके अंदर जो संपदा है ये भगवान के समीप और चरणों पर समाई जाती हैं, ताकि बढ़ जाए। बढ़ने के लिए कि पानी फैला गया गड्ढे में, थोड़ी डाला गया, फैल करके सूख जाएगा थोड़ी देर में, और सूखने के बाद में फैल जाएगा, सारे विश्व के काम आएगा, कहीं न कहीं शीतलता पैदा करेगा, हरियाली पैदा करेगा, ओस पैदा करेगा, तरावट पैदा करेगा। आपका जीवन के पास जो कुछ भी सामान है वो इस तरीके से सूर्य के अर्घ के रूप में बंटने की भावना, बांटने की भावना, बांट लेने की भावना, क्या बांट लें? दूसरों का दुख, ईसा दूसरों के कपड़े, पैसा बांटने का नहीं, ये मत कीजिए। दूसरों को मरने दीजिए, उनके पास दुख हो तो उनको आप बांटिए, आपके पास सुख हो, संपदा हो तो आप बांटिए, बांट के खाइए, मिलजुल के खाइए, हिलमिल के खाइए, तब आपकी ज़िंदगी में सुख और शांति आएगी। अन्यथा आप दुखी रहेंगे, ना आप किसी का बटाएंगे, न किसी को बांटेंगे, अपना दवाई मुट्ठी में बनाए रहेंगे तो वो बंदर हो जाएंगे जो अफ्रीका में होते हैं। अफ्रीका में एक ख़ास तरह के बंदर होते हैं, उनको पकड़ने के लिए शिकारी एक छोटा सा घड़ा ज़मीन में गाड़ देते हैं, चने भर देते हैं, बंदर मुट्ठी उसमें ठूंस देता है, मुट्ठी पकड़ लेता है। फिर उसमें यह करनी रहती है कि मुट्ठी को खाली करते हैं, शिकारी आ जाते हैं और बस उसकी पिटाई करते हैं, उसको मार डालते हैं, उसकी चमड़ी निकाल लेते हैं, मांस निकाल लेते हैं, सब निकाल लेते हैं, पर वो मुट्ठी नहीं छोड़ना चाहता। मुट्ठी बांधे रहता है। आप इस तरह के बंधन हो जाएंगे, अपने की बंधन, तो आप क्या पाएंगे संसार में? नहीं, बांटिए, बांट के खाइए, छोड़िए कुछ ताकि आपको मिले। ये बात हो गई। चलिए, ये आपके तीनों योग हो गए, ज्ञान योग हो गया, कर्मयोग हो गया और ये भक्ति योग हो गया। इसके सिवा एक और चीज़ करनी है आपको। क्या करना पड़ेगा? तब तो सुगम बताइए, तब करना तो बड़ा कठिन बात है। अच्छा, हम सुगम बता देंगे आपको, आप सुगम कीजिए, शुरुआत सुगम से कीजिए। कठिन की ओर पीछे कदम बढ़ाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शुरुआत आप जरूर कीजिए। शुरुआत नहीं करेंगे तो मुश्किल की बात हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? आप सप्ताह में एक दिन तक कर लिया कीजिए, थोड़ा सा कर लिया कीजिए। चलिए, आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि छोटे से आप शुरुआत करें तो बड़े तक आप जा पहुँचेंगे, और छोटे की शुरुआत ही नहीं होगी तब आप बड़ी तपस्या काल से करेंगे। एक दिन आप बड़ी तपस्या कर लें, एक दिन का मौन धारण कर लें, एक दिन ये कर लें, एक दिन ये कर लें, और दूसरे दिन सफाया, फिर कैसे बनेगा? आप उसको नियम से और कायदे से बराबर चालू रखिए। आपको तब क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको तब ये करना पड़ेगा, जुबा का तब सबसे बड़ा तब। जो जुबा इंद्रिय दो काम आती है, एक बातचीत करने काम आती है। आप 2 घंटे मौन रहिए, विचारपूर्वक बात कीजिए, बिना विचारे बात मत कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है और आपकी इज्जत को ख़राब करती है। आप ऐसी बातें न कहिए। जीभ को 2 घंटे के लिए मौन रखिए। किस समय मौन रखें? रात को सोया करें तब नहीं, उस समय जब कि लोगों से बातचीत करने का मौका होता है। दुकान के समय तो आप शायद नहीं कर सकेंगे, और जब कार्यालय जाते हैं ऑफिस तो भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन सवेरे का प्रातः काल का समय ऐसा होता है कि जब आप खाना खाते हैं उससे पहले वाले समय में 2 घंटे मौन रखते हैं तो क्या हर्ज है? इसी प्रकार से अश्वार्थ सप्ताह में एक टाइम, दोनों टाइम में हो सकता हो तो दोनों टाइम में नहीं भी सही, नमक और शक्कर आपको त्याग कर दिया करें तो अश्वार्थ हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं, ये आदमी के लिए नुकसानदायक हैं, फायदेमंद ज़रा भी नहीं। जीभ के लिए आप खाते हैं, ज़्यादा खा जाते हैं, बीमार पड़ते हैं और अपनी बुद्धि में तमगुण भर लेते हैं। इसीलिए अश्वार्थ व्रत का पालन सप्ताह में एक दिन, गुरुवार या रविवार को लोग छुट्टी मनाते हैं, तो कोई पकौड़ी बनाते हैं, कोई घर चले जाते हैं, कोई यार दोस्त आ जाते हैं, तो गुरुवार कर लीजिए। गुरुवार आपके ऊपर कोई मुसीबत का नहीं है, रविवार कर लीजिए, छुट्टी का दिन। दोनों में से जो भी दिन है, ये आप आता हो अश्वार्थ और मौन 2 बार याद रखें। ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य शरीर का भी और अपनी हालातों का भी, दोनों का ब्रह्मचर्य रखें और अश्वार्थ व्रत करें तो आपको ये इंद्रिय संयम कहलाएगा। इंद्रिय संयम से शुरुआत कीजिए। संयम 4 होते हैं। एक पैसे का संयम, आप पैसे का संयम कीजिए, गलत तरीके से पैसा मत खर्च कीजिए। हमने गलत तरीके से कभी खर्च नहीं किया। हम अखंडोत्थ कार्यालय में 35 वर्ष रहे, 200 रुपया महीने में गुजारा करते रहे। आप भी ऐसे कीजिए, पैसे को बेकार खर्च मत कीजिए। पैसा में जरूरी है खर्च कीजिए, और बचे हुए पैसे को दूसरे उन लोगों के लिए खर्च कर डालिए जिनको आपके पैसे की आवश्यकता है, जो पैसे की वजह से दुखी है। फिर आपको पैसे का निग्रह करना है। पैसे के निग्रह के अलावा आपको समय का निग्रह करना है। समय को ऐसे बेकार मत घुमाए, टाइम टेबल बना के चलिए। मेरे बाबा टाइम टेबल बना के चलते थे, गांधी जी टाइम टेबल बना के चलते थे, अब्राहम लिंकन टाइम बना के चल रहे थे, हम टाइम बना के चलते हैं। आप टाइम को खर्च मत कीजिए, चाहे जब चाहें जो बात कर रहे हैं ये मत कीजिए, और विचारों का संयम कीजिए। आप विचारों को अस्त व्यस्त विचार मत आने दीजिए, दिमाग में गलत विचार मत आने दीजिए। विचार कहीं भी घूम रहे हैं कि नहीं, कहीं मत घूमने दीजिए, अपने उद्देश्य के साथ जोड़िए विचारों को। जब भी आपके पास खाली समय हो तो विचार कहीं फालतू दौड़ लगा रहे हैं उसको एकदम रोक दीजिए और उन काम में लगाइए जो आपकी ज़िंदगी से संबंध रखते हैं। बस ये इस तरह की आपका संयम ही तप है। तप का नाम संयम, संयम का नाम तप है, तप का नाम संयम है। आप तपस्वी बनिए, इसका अर्थ से ये होता है कि संयमशील बनिए। सप्ताह में एक दिन रखिए, बस। ये सब प्रज्ञा योग हो गया। प्रज्ञा योग का आप अभ्यास करें तो ये बहुत थोड़ा समय का है, जिसमें आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कष्ट आता है। नियम का पालन जरूर करना पड़ता है। आप नियम का पालन करें तो ये भी तप है, अनुशासन का पालन करें ये भी तप है। आप तप करें तो बहुत अच्छी बात है। प्रज्ञा योग इतना ही है, इसको और बढ़ा करके हमने खंडित में छापा है, पुस्तकों में छपा हुआ है, आप उससे और पढ़ लें। बस यहाँ तो इतना ही बताना संभव था, तो हमने आपको आपके सामने निवेदन किया।